टंडोलायार में कब्रिस्तान की मालकी के मामले पर मसीह बिरादरी भी सामने आ गई। डेनियल लालदीन और मेविश एवा ने कहा है कि कब्रिस्तान पर कोई कब्जा नहीं हुआ, बल्कि महकमा रेवेन्यू ने मसीह बिरादरी को यह जमीन तमाम कानूनी तकाजे मुकम्मल होने के बाद अलाट की है। टंडोलायार प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डेनियल लालदीन और मेविश एवा ने कहा कि चंद शरपसंद अनासर मसीह बिरादरी के अफराद पर कब्रिस्तान पर कब्जे का इल्जाम लगाकर फसाद फैलाना चाहते है। ऐसे इल्जाम में कोई सदाकत नहीं। अहमद शाह मोहम्मद शाह कब्रिस्तान में मजकूरा जमीन महकमा रेवेन्यू के हुकाम ने इन्हें तमाम कानूनी तकाजे मुकम्मल होने के बाद 2018 में अलाट करके कागजात भी फराहम किए थे। उन्होंने कहा कि कब्रिस्तान की जमीन अलाट होने से कबल वो अपने मरहूमीन को मीरपुर खास, हैदराबाद और दीगर इलाकों में वाके मसीही कब्रिस्तानों में दफन करते थे, जिसके बायस काफी तकालीफ का सामना करना पड़ता था। सिंध के वजीर अकलियती उमूर ने कब्रिस्तान की जमीन, चर्च और हिफाजती दीवार के लिए फंड्स भी फराहम किए, लिहाजा कब्जे का इल्जाम गलत है क्योंकि मुसलसल 35 बरस की जदोजहद के बाद मसीही बिरादरी को कब्रिस्तान के लिए जमीन अलाट की गई है। डेनियल लालदीन और मेविश एवा ने मजीद कहा कि चंद शरपसंद अनासर चर्च और हिफाजती दीवार के दरमियान रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे थे, इनकार करने पर अब कब्जे का ड्रामा रचाया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर और SSP टंडोलायार से मुतालबा करते हैं कि मामले की तहकीकात यकीनी बनाकर उन्हें तहफ़ुज़ फराहम किया जाए।